मैं हूँ सलमान रशीद और ये है एक मुसाफिर की दुनिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तीन जगहों पे चलगोज़े के जंगल हैं। चलगोज़ा जो कि हम बड़े शौक़ से खाया करते थे और एक ज़माने में तो सस्ता होता था, बाकी जितने भी ये नट्स हैं उनसे थोड़ा महंगा होता था, लेकिन फिर भी ये था कि बंदा खा सकता था। अब तो पिछले साल तो सुना है कि वो कोई 8,000 रुपये किलो पे बिका, इस साल पता नहीं कितने पे बिकेगा। तो ये जो जंगल हैं, जो सबसे बड़ा जंगल है चलगोज़े का, वो है तख्ते सुलेमान पे, और ये बलूचिस्तान का एक पहाड़ है, कोह सुलेमान की का हिस्सा है। ये एक उस एक मासिफ है पूरा, जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जो सीधे हाथ के ऊपर, जिसके ऊपर लाल ये रेक्टेंगल सा मैंने बनाया हुआ है, ओवल बनाया हुआ है बल्कि, ये तख्ते सुलेमान है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो कोई 3,500 मीटर के लगभग है, और वहाँ पे वो मैं कहानी पहले भी सुना चुका हूँ कि हज़रत सुलेमान का उड़ता हुआ तख्त वहाँ पे आके बैठा था, और फिर उन्होंने आगे अंधेरा ही अंधेरा देखा। हालांकि जब हज़रत सुलेमान तशरीफ़ लाए होंगे तो इंडिया रोशन तरीन मुल्क था, सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे टैक्सला जैसे शहर भी आबाद हो रहे थे और बड़ा कुछ था, और यूनिवर्सिटीज़ थी, तो अंधेरा यहाँ नहीं था। वो पता नहीं किस जाहिल ने ये रिवायत ईजाद कर ली है। और ये जो तख्त सुलेमान का पहाड़ है, इससे अगर आप सीधे हाथ की तरफ देखें इस तस्वीर में, तो ये जो है एक और ओब्लोंग सा मैंने बनाया हुआ है, वो शिनगर का पहाड़ है। ये इस पे भी चलगोज़े के जंगल हैं। चलगोज़ा जिसको लातिनी में या साइंटिफिक जो उसका नाम है वो है पाइनस जेरार्डियाना, ये उगता है कोई 1800-1900 मीटर से लेके कोई 3,000 मीटर की बुलंदी तक। तो ये दोनों पहाड़ इसी ऊंचाई के ऊपर हैं, तो यहाँ उगता है। इसके अलावा चलगोज़ा चित्राल के अंदर भी है, ख़ास करके जो ज़रा काबले कदर जो जंगल है वो ये अपना काफ्रिस्तान के अंदर है चित्राल में। जब मैं 1999 में गया हूँ ना, तो पहाड़ चोटी पे तो मैं पहुँच ना सका, लेकिन मैंने ऊपर देखा कि जंगल बेदरेग काटा जा रहा है, और बहुत सारे वो जो हैं उनकी बलियां बना बना के नीचे ला के, एक गांव है आमदी दिरगा, वो इस तस्वीर में आप देखिए, जिसके नीचे लाल लकीर लगाई हुई है, और वहां से एक मैंने डॉटेड लाइन, वो फर्जी सी है डॉटेड लाइन, रास्ता वो नहीं है, रास्ता तो काफ़ी घूम के ऊपर को जाता है पहाड़ को, लेकिन मैंने बता दिया कि आप अगर योब की तरफ से आ रहे हैं बलूचिस्तान में, तो आप इस रास्ते से ऊपर जा सकते हैं। तो मैंने क्या देखा कि जो वो ऊपर से लकड़ी लाई जा रही है, वो आमदी दरगाह के बाहर ढेर लगे पड़े हैं, मतलब पता नहीं कितनी लकड़ी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरा तो यही ख्याल था कि चलगोज़े की लकड़ी किसी इस्तेमाल में नहीं आती। पता चला कि जनाब ये जितनी खिड़कियाँ दरवाजे योब में और बाकी पश्तून इलाकों में बन रहे हैं, वो चलगोज़े की लकड़ी के बन रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी रिसर्च करके गया था, तो मैं जैसे कहते हैं ना जी, बड़े परेशान सा हो गया कि ये, ओ भाईजान, ये पेड़ तो बहुत ही स्लो ग्रोइंग है। आप आज चलगोज़े का पेड़ बीजें तो वो कोई 150 साल बाद जाके वो फल देना शुरू करता है, तो आप लोग धड़ाधड़ काट रहे हैं। वो जो आपको हर साल उससे फल मिलता है, और वो भी मैंने, चूँकि दोनों बार जब मैं गया हूँ तो अक्टूबर के महीने में मैं गया था, पहली बार तो चढ़ ही नहीं सका, लेकिन मैंने ये देखा कि वो फल हासिल कर रहे थे। और वो कैसे होता है फल, वो पाइन कोन्स होती हैं, जैसी आम किसी भी चीड़ दियार की कोन होती है, वो कोन्स के अंदर ये चलगोज़े के जो दाने हैं छिलके समेत, वो उसके अंदर फंसे होते हैं, और वो कोन्स का एक ढेर लगा के ना उनको फेंटी लगाई जाती है सोटियों के साथ, और उसमें से वो फिर झड़ जाते हैं। तो वो मैंने कहा वो जो बिकता है, तो वो कहते यार जी वो तो साल में एक बार है ना, ये तो ये है कि जब पैसे चाहिए पहाड़ पे जाओ पेड़ काटो और ऊँट पे लाद के नीचे ले आओ और बेच दो, पैसे आ गए। तो वो तो साल में चलगोज़ा तो एक ही बार उतरता है। खैर, वो 1994 में अक्टूबर में मैं दोबारा गया, तो मैं तब तख्ते सुलेमान की चोटी तक गया,
और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मेरी किताब जो है प्रिजनर ऑन अ बस, उसके अंदर ये तस्वीर है और ये दास्तान है पूरी तख्त सुलेमान पे पहुंचने की। ये पेड़ सारे के सारे चिलगोज़े के हैं, पाइनस जेराडियाना, और इसकी निशानी ये है कि जैसे बाकी चीड़ या द्यार या केल, ये दूसरे पेड़ जो हैं वो उनकी जो छाल है वो ज़रा रफ और ज़रा स्याही माइल होती है, ब्राउन होती है, ये जो हैं इनकी छाल सफ़ेद रंग की होती है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये कुछ नहीं तो दो दो चार चार सौ पाँच पाँच सौ साल पुराने हैं, क्योंकि ये फल देने वाले पेड़ हैं। इनसे फल उन्हीं दिनों में जब मैं दोनों बार गया हूँ तो यहाँ फल उतर रहा था इनसे। अच्छा, अब एक तो हम काट रहे हैं, ये जो तख्ते सुलेमान का है मासिफ पूरा का पूरा बलूचिस्तान में आता है, और जो पीक है वो साउथ वज़ीरिस्तान में आती है। और अब क्या है कि परली तरफ मशरक़ की तरफ, ईस्ट की तरफ जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान पड़ता है, शिरानियों का इलाका है, तो शिरानी हजरात भी आते हैं और इधर से भी हजरात जाते हैं। वैसे मैं जहाँ तक मुझे याद है, नाराज़ ना हो जाएं शिरानी, ये पठान भाई लोग नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाते हैं। वो ज़्यादा जो नुकसान है वो तब 1994 में शिरानी लोग ही कर रहे थे। तो दोनों तरफ से आते हैं, और जो उस ज़माने में 1989 में जो चीफ कंजर्वेटर साहब थे, जब मैंने उन्हें जाके कहा ना कि सर ये जंगल बचाने की ज़रूरत है, तो वो रिटायरमेंट से कुछ 6 महीने पहले मैं उसको मिला था। बड़ा ही नखेद आदमी था, वैसे मैं नाम नहीं उसका बताऊंगा, लेकिन वो जो कुछ मैंने फिर लिखा तो वो उसको सस्पेंड भी कर दिया था अपना रिटायरमेंट से कुछ 6 महीने या पता नहीं इतने ही महीने पहले। बहरहाल वो साहब कहने लगे मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो उधर से आते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जिसे तब हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा करते थे। तो मैंने कहा वो आपके यहाँ से लेके जाते हैं तो कुछ तो करें कि नहीं। और फिर मैंने तब ये भी देखा कि DFO साहब बहादुर जो थे वो 800 रुपया लेके एक ट्रक चलगोज़े की लकड़ी का छोड़ देते थे कि जाओ बेचो आराम से। उसका ख्याल था मुझे पश्तो नहीं आती, मुझे इतनी को आती है कि मैं समझ लेता हूँ बात क्या हो रही है, और कुछ ज़्यादा टेक्निकल बातें हो रही हों तो नहीं, लेकिन ये जब कि पता है कि अभी क्या बात होने लगी है तो वो मैं समझ जाता हूँ। अब खैर बहुत ही कमज़ोर हो गई है मेरी पश्तो, कभी कभी बोल भी लिया करता था थोड़ी बहुत। खैर वो तब ये मैंने देखा, फिर 1994 में मैंने जाके देखा, मेरा ख्याल था मेरे लिखने से कोई फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन इतने लिखने नाल किन्नू फ़र्क पैंदा है, पाकिस्तान हैगा। वो लकड़ी के ढेर फिर आमदी दरगाह में लगे हुए थे, और ऊपर कैंप भी लगा हुआ था, वो साहिबान सारे जो थे बेचारे पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि पानी वानी तो कोई नहीं था, पानी वहाँ नीचे से लेके आते थे एक गंदी सी जगह से, और पानी में से जानवरों के मूत की बू आती थी। और खाने को उनके पास क्या था कि वो एक दाना मारखोर उन्होंने मार लिया था, सुलेमान मारखोर, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ था तब, और उसका वो मतलब बुढ़ा जानवर मारा होगा, काला स्याह उसका गोश्त। मैं उन दिनों में वेजिटेरियन होता था, और मुझसे प्लीज़ ना पूछें कि जी वेजिटेरियन में क्यों हुआ था, कोई फ़लसफियाना बात नहीं थी, ऐसे ही एक चुड्डू सी बात थी। बहरहाल वो मैंने तो नहीं खाया, खाली रोटी खाई, और वो गंदा पानी जो था उसको काफ़ी देर उबालने के बाद पिया, तो लकड़ी कट रही थी बराबर, और वो उनका भी कहना वही था कि जी चलगोज़ा तो एक बार उतरता है साल में, ये तो जब चाहिए ले जाओ। तो बहुत ही दुख हुआ, और फिर उसके बाद मैं बताता चलूँ WWF वाले नाराज़ हो जाएंगे, वो साहब तो पता नहीं मरमर आ गए होंगे, नाम नहीं उनका मैं लूँगा। उन्होंने उस ज़माने में अर्ली 90s में कोई चलगोज़े का जंगल बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया था, लेकिन वो स्कैम था, क्योंकि मैं जो भी कुछ देख के आया था वो उसके बरखिलाफ़ था। बाद में फिर वो हमारी काफ़ी बहस भी हुई, और मेरे मुर्शद मैं कहता था सरदार नसीर तरीन साहब थे, जिनके बारे में मैंने अभी एक हफ़्ता पहले ही आपको बताया भी है। सरदार साहब ने भी उन साहब को आड़े हाथों लिया, क्योंकि सरदार साहब बलूचिस्तान के थे, और लेकिन बस हमारे यहाँ जो है ना फ्रॉड चल जाता है, तो वो साहब भी बड़े कामयाब माने गए। हमारी जो थी
रोन पिटन उसको किसी ने नहीं सुना। फिर देखिए बुरी खबरें आती रहती हैं। अभी पता नहीं पिछले साल या उससे पिछले साल एक खबर आई कि जी तख्ते सुलेमान पे चलगोजे के जंगल में आग लग गई है और पता नहीं कोई 300 हेक्टेयर या कोई इसी किस्म की कोई फिगर थी उसके ऊपर पेड़ जो हैं वो ज़ाया हो गए और हमारे पास कोई वो तरीका नहीं था कि उस आग को हम बुझाते। ईरान ने हमें वो जहाज़ एक भेजा, फायर फाइटिंग जहाज़ जिसके अंदर पानी होता है, वो ऊपर से ला के पानी डंप करता है तो वो आग बुझ गई, तो शुक्र है कि वो काम हो गया सही। अभी पिछले हफ्ते फिर खबर आ गई कि जनाब इस बार फिर आग लग गई है और हमारे यहाँ जो सहाफ़ी लोग हैं बेचारों को जुग्राफिया उन्होंने पढ़ा नहीं है, ना ही उन्हें कोई शौक है कि वो जाने जुग्राफिया किसी तरीके से, तो कुछ समझ में नहीं आई कि किस तरफ आग लगी है। तब जो लग रहा था, जो दो साल पहले की खबर थी कि वो बलूचिस्तान वाली साइड पे लगी है, इस बार मुझे कुछ जो कुछ भी समझ आई वेग सी जो खबर छपती है अंग्रेज़ी अखबार जिन्हें हम बेहतर समझते हैं उतने भी काम माठा ही है, तो उससे कुछ समझ में यही आई कि वो शिरानी साइड या डेरा इस्माइल खान वाली साइड पे कहीं आग लगी और हमारे पास कोई चक्कर नहीं था कि हम किसी तरीके से वो आग बुझाते। बहरहाल कल अपना 1 नवंबर को अखबार में खबर आई कि जी वो आग कंट्रोल में आ गई, बुझ गई है। और एक ये तस्वीर भी थी जो कि आप देख लीजिए, हमारे ये 1122 वाले, इनको मैं मानता हूँ ये इन्होंने बड़ा काम किया, ये जो रेस्क्यू वाले हैं फायर एंड रेस्क्यू वाले, ये बड़े बेचारे मेहनती लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। वो एक बंदे ने, आप देखिए, उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया हुआ है, वो क्या 4-5 गैलन का फायर एक्सटिंग्विशर है, पता नहीं उससे वो तो बेचारे जा रहे होंगे कि कहीं कोई रेजिड्यूअल आग रह गई है तो उसको बुझा दें, लेकिन बहरहाल आग बुझ गई। तो कहने का ये जो एपिसोड करने का मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से अवेयरनेस आ जाए लोगों में कि भाई ये चलगोजे के पेड़ ना काटें आप। उधर चित्राल में जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे बचे हुए हैं, और शिनगर चूँकि वो एक मेरे ख्याल स्टेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और वहाँ पे फॉरेस्ट वालों की एक लॉज भी है, तो शिनगर जो कि तख्त सुलेमान के मगरब की तरफ, ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं जो दूसरा छोटा ओवल है, वो शिनगर का पहाड़ है, वो बचा हुआ है। लेकिन तख्त सुलेमान जो सबसे बड़ा चलगोजे का जंगल था, वो उसका काफ़ी नाश मारा जा रहा है और फिर कुदरत भी हमारा साथ नहीं दे रही, वो 2 बार आग लग चुकी है, अब पता नहीं क्या बनेगा, कितने पेड़ अब ज़ाया हुए होंगे। मैं तो बस यही कर सकता हूँ, लिख सकता था जिसका ये सिर्फ ये हुआ कि एक बूढ़ा चीफ कंजर्वेटर जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया रिटायरमेंट से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले, और ये कि एक साहब जो कि वहाँ पे एक स्कैम प्रोजेक्ट चला रहे थे 1990 की दहाई के शुरू में, वो बस थोड़ा से डिस्कम्फिट हुए सरदार साहब, सरदार नसीर तरीन साहब की और मेरी बात से, बाकी हुआ कुछ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अगले कुछ सालों के बाद हम तख्ते सुलेमान के चलगोजे खा सकेंगे।